हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकरी बाइट्स। अक्सर मीठे की तो डिमांड रहती है, तो चलिए आज शक्कर पारे बनाते हैं, वो भी गुड़ वाले। बहुत अच्छे रहते हैं, सिंपल सी रेसिपी है और चाय के साथ भी अच्छा लगेगा। चाहे आप खाना खाने के बाद भी अगर मीठे को मन है तो ये सिंपल सी चीज़ इंजॉय कीजिए। चलिए करते हैं शुरू गुड़ के शक्कर पारे। सबसे पहले बाउल में हम मैदा ले रहे हैं 250 ग्राम्स एंड प्योर घी 1 टेबलस्पून। इससे अच्छे खस्ता बनेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 स्पून एंड 1/4 स्पून बेकिंग सोडा और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए अच्छे से जब मसल लेते हैं तो चिपकना शुरू हो जाता है आटा। ये जब मुट्ठी बन जाए तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा हाथ पे डाल के पानी हमें, क्योंकि बहुत सॉफ्ट भी नहीं करना और बहुत हार्ड भी नहीं रखना होता आटा, एक बैलेंस्ड। बस डो रेडी है, अब इसको 5-10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स अब हम इस डो को बेल लेंगे, एक ही पीस में बेल लेंगे इकट्ठा, फिर इसमें से ही हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इनको नाइफ से अपने अंदाज से 1 इंच से कम होनी चाहिए ऐसे लंबाई में हम सीधे के सीधे कट कर लेंगे। अब इनको हम आड़े भी कटिंग कर लेंगे लाइक ए फिंगर्स। बस अब इनको हम प्लेट में उठा लेंगे और इनको फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म होने पे, बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं करने, पहले से थोड़ा स्लो रखेंगे फ्लेम को भी और इनको ऐसे ही डाल देंगे बस। एक लगना शुरू हो गया जैसे, तो इनको हल्का सा हम हिला देंगे। जैसे जैसे सिकते जाते हैं ये देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया इनका। अब इनको उलट पुलट करते जाएंगे। देखिए गोल्ड कलर हो गया इनका, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे, तो इसमें पानी हमें बहुत कम चाहिए, जैसे कि 1 टेबलस्पून। बस इसको गरम करते ही इसमें 4 स्लाइसेस गुड़ की, ये टुकड़े कर लिए मैंने, इसको डाल देंगे और इनको मेल्ट करना है हमें। अब
बस इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है तो ये थिक हो जाएगी। ये देखिए जैसे ये टपक रही है तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम थोड़ी सी सौंफ भी ऐड कर देंगे तो उसकी अच्छी महक आती है। चाशनी को ये हम रेशो को देख लेंगे पानी में ऐसे डाल के इसके टपके, तो ये देखिए नीचे जम गई है, इट मीन्स चाशनी इज रेडी। अब गरम गरम चाशनी में हम ये तले हुए पीसेस ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से चला देना है ताकि इनके चारों तरफ से गुड़ की ये चाशनी लिपट जाए। बहुत ही बढ़िया लगते हैं, कभी चाय का कॉम्बिनेशन लेके या खाने के बाद भी कुछ मीठा खाने को मन हो तो ये ले सकते हैं आप। बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट बनते हैं और ऊपर से मिठास लिए हुए, बहुत ही बढ़िया। आई होप आपको ये पसंद आएगी मेरी रेसिपी, जरूर ट्राई कीजिए। अब गैस की हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये पीसेस सारे सिंगल सिंगल बिल्कुल एकदम से अलग हो जाएंगे ठंडे होने पे। लीजिए रेडी टू सर्व गुड़ के पारे। आप एंजॉय करोगे इस रेसिपी को, बहुत ही सिंपल वैसे ही बनाते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।